सुहेल ज़फर शाही सेक्रेटरी जनरल पीएमआरसी ने अपने बयान में कहा है कि एक और मसीही अदारा क्रिश्चियन अस्पताल टेक्सला अपनी नाअहल नकमी और खुद के अकाउंट भरने वाली इंतजामिया की वजह से मुआशी वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रहा है। गुज़श्ता साल क्रिश्चियन अस्पताल टेक्सला में इंतजामिया खसूसन डॉक्टर अश्कनाज़ फैमिली की तरफ से की जाने वाली माली बेजाबतियों के हवाले से ठोस शवाहिद के साथ मामले को उठाया था और लम्हा ब लम्हा इस अदारे को चलाने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबरान को भी आगाह करते रहे, लेकिन उनके कानों पर भी जूं तक ना रेंगी। कोई ठोस एक्शन न लिया गया। डायरेक्टर और दीगर एडमिनिस्ट्रेटर के स्टाफ के साथ बदसलूकी का मामले पर भी बोर्ड का एक्शन ना लेना बज़ाहिर कर रहा है कि माली बेजाबगियों में बोर्ड भी पूरी तरफ मुलवस है। उन्होंने मजीद कहा है कि जराये के मुताबिक इन दिनों इस बात का भी खदशा किया जा रहा है कि डॉक्टर अश्कनाज़ ने चर्च का 3 करोड़ रुपए का फंड टेक्सला मसीही कब्रिस्तान मुख्तस 4-5 कनाल प्रॉपर्टी जो फैसल हिल कॉलोनी में आ रही है जिसको फरोख्त कर चुके हैं। रोहिल ज़फर शाही सेक्रेटरी जनरल पीएमआरसी ने अपने बयान में मजीद कहा है कि जब क्रिश्चियन अस्पताल टेक्सला के डायरेक्टर डॉक्टर अश्कनाज़ और उनके दामाद सुहेल सूरी से राब्ता किया गया तो उन्होंने मौकफ देने के बजाय व्हाट्सएप नंबर्स ब्लॉक कर दिए। अब हमारी टीम मेंबर्स जल्द अस्पताल का दौरा करेगी और तमाम हकायक जल्द अपनी कौम के सामने जल्द रखेंगे।